ब्राह्मण समाज के दिग्गज नेता बोले भगवान परशुराम सबके। भगवान परशुराम का नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण। भगवान परशुराम ने समस्त मनुष्य जाति को बचाने के लिए पिया था जहर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश की सियासत में दिग्गज ब्राह्मण नेता सुनील भराला जी। सुनील भराला जी से हम उत्तर प्रदेश की सियासी घटना, कई राजनीतिक घटनाक्रम जितने भी इस समय चल रहे हैं और बड़े बड़े मुद्दे, उनको लेकर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। मंत्री जी, अभी हाल फिलहाल में आपने, भारतीय जनता पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव जीता है, उस पर अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इसमें प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीता गया, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उस चुनाव में बहुत ही मजबूती से अपने समय को निकाल करके काम किया और भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। फिर भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ का जो भ्रमित करने में लगे थे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट दिया है और ये विजय उन सब कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने रात दिन लग कर के, जो ब्राह्मण प्रत्याशी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके राष्ट्रवाद में वोट दिया है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये विजय उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने ना जात देखी ना पात देखी और भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराई। बिल्कुल, मेरा जो अगला सवाल होने वाला था उसका जवाब आपने पहले दे दिया कि वहाँ पे जो सपा कैंडिडेट थे वो ब्राह्मण थे, उसके बावजूद तो जो ब्राह्मण वोटर थे उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ऐसे में कितना, क्योंकि आप ब्राह्मण की पॉलिटिक्स करते हैं प्रदेश में, तो इस पर विनित, क्योंकि जो सपा कैंडिडेट था ब्राह्मण था, तो क्या गलत मैसेज नहीं जाता है ब्राह्मण, क्योंकि माना तो जाता है कि पहले जो भी समाज है उसको पहले अपने समाज को वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है। ब्राह्मणों के द्वारा इस पार्टी को बनाने में पूरी आहुति लगी है, तो दल अलग है और समाज अलग है। जब हम समाज के बीच में बैठेंगे तो हम समाज के उन सब जो हमारे संरक्षक के रूप में हैं, हमारे अभिभावक के रूप में हैं, तो उनकी बात, उनका कहीं उत्पीड़न ना हो जाए, उनकी कहीं परेशानी ना हो जाए। फिर दूसरा, हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद, वो भगवान श्री परशुराम जी, संकल्प ये है कि भगवान श्री परशुराम जी को केवल वो ब्राह्मणों के भगवान नहीं, सनातन हिंदुओं के भगवान हैं। और राष्ट्रीय परशुराम परिषद का लक्ष्य ये है हमारे सनातन हिंदू का, चाहे वो दलित हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, उनकी मान्यता और स्वीकार्यता पूरे हिंदू समाज में हो। भगवान परशुराम जी के द्वारा जो पृथ्वी पर काम किए गए हैं, उन्होंने समुद्र क्यों पिया था, इस देश की महान जनता को बचाने के लेकर के जब तबाही मची थी और समुद्र ने हजारों लाखों जान ले ली थी, तो भगवान परशुराम जी अवतार के रूप में पृथ्वी पर थे, उन्होंने खड़े होकर के पूरे समुद्र को पिया और तबाही को बचाया। तो ना तो वहाँ कोई ब्राह्मण की बात थी, ना वहाँ राजपूत की बात थी, ना वहाँ वैश्य की बात थी, ना ओबीसी की बात थी, सनातन हिंदू और लोक कल्याण को लेकर के उन्होंने काम किया। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।